सिरजना एकांगी च लेखक ने विशा की लिया, पाली भुपिंदर लेखक है जिसने विशा लिया कि साढ़े समाज में जड़ी भ्रूण हत्या है वह बुराई है जड़ी सबनों परेशानी का कारण है, पर ये पिछे केड़ी सोच है, पुरानी सोच थोथे विचार कि राही पता लगता है बीजी राही, जो कि इस एकांगी विच सिरजना की सस है, जो कि चाहती की है कि बेटे की बेटा चाहिए उसनों ता जो वह जिन्हें 40 किले जमीन है वह वारिस बने। इस तो इलावा उन्होंने शैलर भी चल रहे हैं, 40 किले 1 किले कहें 20 मरले के होंगे ने 20 मरले, ठीक है 40 किले जमीन बहुत सारी जमीन होंगी। नाउ लिसन, सिरजना मुख पात्र 28-29 वरे उसकी एज है, नोट करो 28-29 वरे। जो आप सिरजना का करैक्टर करांगे, सिरजना का जो करैक्टर करना है सब तो पहला जान पछाण लिखांगे, हुण नाल नाल समझ लियो जदों सिरजना का करैक्टर करना है तो जान पछाण पहला लिखनी होंदी है, उहदे विच की लिखना होंदा है सिरजना पाली भुपिंदर दे एकांगी, सिरजना एकांगी दी मुख पात्र है उसकी उम्र 28-29 वरे है, कुलदीप उसका पति है, बीजी उसकी सस है, ते बाकी होर करैक्टर जड़े ने सहायक पात्र ने, मासी हस्पताल दे विच सफाई सेवका और डॉक्टरानी ते दो नर्सा हन। नाउ लिसन, डॉक्टर नीत ते दो नर्सा, क्लीनिंग दा अंदरला दृश्य है, क्लीनिंग मासी तेज तेज हाथ चलाउंदी होई सफाई कर रही है, ध्यान नाल सुनियो बेटे, दरवाजा खुलता है, बीजी ते सिरजना अंदर आउंदियां ने, किथे क्लीनिंग दे अंदर, बीजी दा डायलॉग हुण मैं ही बोल के तुहानू रीडिंग करके दसांगी, बीजी दा डायलॉग है, डॉक्टर साहब नहीं आए हाले, किन्नू पुछ रही है, मासी की कहंदी बहुत थोड़ा तलखी नाल, तलखी मीन थोड़ा जिहा सुभा गुस्से वाला, सफाई चलदी पई है, दिसदा नहीं तुहानू, तुसी जुत्तियां लैके अंदर आ गए हो, सारे पैरां दे छापे लग जाणगे, फिर डॉक्टर साहब आके मैनू झटका देणगे, परेशान थिएटर च है आ जांदे हैगे, काली नाल बोकर लैके चली जांदी है, बीजी बड़े गुस्से नाल उसनू जांदी नू वेखदी है, बड़ी बदतमीज है, बोलदी किदां इह, इह कौन कह रहा है, बीजी किदे बारे, मासी कौन है, सफाई सेवका, क्लीनिंग दे विच सफाई कर्मचारी, नर्स आउंदी है, निच नर्स बोलन विच ही इदां दी है, उंज दिल दी चंगी है, हुण किदे बारे दस रही है, नर्स सफाई सफाई कर्मचारी दे बारे, मासी दे बारे, बीजी नूं समझांदी है कि दिल दी माड़ी नहीं है, एवें बोलन च ही बड़बोली है थोड़ी जी, कि जिहड़ा गुस्से नाल बोल पई है कि छापे लग जाणगे, उह वी सच्चाई है कि असीं सफाई कर रहे हां तुसीं लंघी जा रहे हो, दिल दी चंगी है, बैठो तुसीं, डॉक्टर साहब आउण ही वाले हन, अल्ट्रासाउंड लई आए होए है, कहिंदे असीं अल्ट्रासाउंड कराउणा है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होंदी है कि जिहदे विच अंदरले पार्ट का पता लग जांदा है, इह हुण अल्ट्रासाउंड किस मकसद नाल कराउण लई आए है, इन्हां दा मकसद है कि पता लग जाए कि अंदर जिहड़ा बच्चा है उह मुंडा है कि कुड़ी, क्योंकि सिरजना दे पहला इक कुड़ी है, दूसरी बार उसकी सास बीजी है जो इस एकांगी विच नहीं चाहती कि दूजी भी कुड़ी है, ते जे किते इदां पता लग गया तो असीं कुड़ी नहीं चाहवांगे, इहदे लई की करवाने आए हन, अल्ट्रासाउंड स्पैलिंग देख लियो हाँ पर जे लोड़ हुई तो अगां भी कुछ करांगे, ये कह रही है नर्स मुस्कुरा के, लोड़ हुई तो की मतलब तुहाडा, नर्स भी समझदी ना इन्हां दा भाव, क्योंकि पता लग गया कि बीजी है बुजुर्ग है, दी सोच किदां दी है, बीजी लापरवाही ना, मतलब जे कुड़ी होई तां अगां भी कुछ करना ही पऊ, उहने फिर क्लीयर भी करता, मतलब इहदा इह है कि जे कुड़ी पता लग गई कि अंदर जिहड़ी है कुड़ी पल रही है तां उहदा कुछ करना ही पऊ, इक हैगी है जे दूजी भी कुड़ी होई तां रखनी है, असीं असीं नहीं रखनी कहिंदे, असीं रखनी नहीं, असीं इक तां अगे ही हैगी है साडे कोल सिरजना, हुण सिरजना नूं
जबरदस्ती लेके आई है स्कैनिंग कराने लिए। सृजना की कौन है? बीजी नाल उसका की रिश्ता? नू सस्ता डर के बीजी ये तुसी की कह रहे हो, ये पाप है, ये ठीक नहीं है। सृजना हुण पढ़ी लिखी है, वो समझाना चाह रही है, तर्क नाल समझाएगी। वड्डियां नू समझाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अपनी जिद ते अड़े रहिंदे। जिवें इस इकांगी विच बीजी है, बीजी की ठीक है ते की नहीं, तेनू तेरे नालों ज्यादा पता मैनू है। जिवें वड्डियां जिहड़ियां औरतां ने रोह बराग हुंदियां ने घर विच, बीजी कहिंदे तू मैनू समझाएगी की ठीक है ते की गलत है। सृजना पर की फर्क पै जाएगा जे लड़की हो गई तां? कहिंदी की फर्क पैणा, तां रब दीआं दित्तीआं दातां ने, इहदे साडा की कसूर है? बीजी 40 पूरे 40 किले पैली है ते शैलर, अंडरलाइन करो, चावल बंदे जिन्हें शैलर मशीना, वह मशीना जिन्हें चावल चावलों के शैलर ने, यदा मतलब जो बीजी की पात्र उसारी करनी है और पॉइंट्स आने ने कि रोब दाब वाली बच्चे की लालसा रखने वाली ये पॉइंट्स लैके उन्होंने दो दो तीन तीन लाइना चाहे एक्सप्लेन करना है। इनू कहें करैक्टर स्कैच, ठीक है? पहला जान पछाण, नैक्सट 40 पूरे 40 किले पैली है ते शैलर जान मार के बचाए है। कहिंदे एवें नहीं बचाए, सारी जिंदगी जान मारी है इन्हां दी खातर, कहिंदे स्ट्रगल कीती है जिंदगी च इन्ना कुछ जोड़न लई। शरीकां तो हुण तक शरीक में चाचे तायां तो बचा के रखी है। शरीक कौन हुंदे ने? जिहड़े पिंडां दे विच जमीनां जायदादां दे मालक हुंदे ने, उन्हां दे झगड़े जमीनां जायदादां करके हुंदे ने। शरीक में चाचे ताए उन्हां तो कहिंदे मैं बचाई है किन्नी पहली 40 किले, इन्हां नूं संभालण वाला चाहीदा मैनूं। उन्हें बिल्कुल सीधे तरीके नाल दस्सी गल कि मैनूं तां वारस चाहीदा इहदा, इन्हां नूं संभालेगा कौन जे पुत्तर ही नहीं होएगा। नाले अगे बैठी नहीं छाती ते एक, इहदा की भाव है कि अगे एक बैठी उहदा वी दाज दहेज देना कि नहीं? जिहड़ी एक बेटी अगे होई है जदों उहनूं विआहणा उहदे लई वी दाज दहेज चाहीदे, ते मैं दो दो लई दाज दहेज नहीं तैयार कर सकदी। इहदा भाव इह है दाज विच नहीं देने तेरियां धीआं दे, मैं समझी ना? कहिंदी मैं सारी 40 किले जमीन तेरे धीआं नूं दाज विच नहीं देनी, इहदा मतलब ताने मेने देण वाली रोह पाण वाली नूं ते, कि मैनूं हर तरीके दे नाल पुत्तर चाहीदा। मैं जिहड़ी सारी 40 किले जमीन इन्नी मेहनत दे नाल शरीकां तों बचाई है, मैं धीआं दे दाज ते नहीं ला देनी। नैक्सट अचानक पानी लैके मासी आउंदी है, दोवें चुप कर जांदियां। ये दोनों की कन्वरसेशन चल रही है, नूह ते सासी, जब तक डॉक्टर नहीं आए उत्थे बैठिया ने बेंच ते, ठीक है? हुण मासी उन्हां लई पानी लैके आंदी है, दोवें चुप कर जांदियां, पर मासी सब समझदी है कि गल की चल रही है। उन्हां नूं पता है कि कौन किहड़े मकसद नाल इत्थे क्लीनिंग च आया है। दोवें अनमन्ने मन नाल पानी पींदियां ने कि चाहुंदियां नहीं पानी पीना, पर पी लिया पानी। बीजी मैं पता करदी हां जे लैब वाला आ गया होवे, लैब मीन जिहदे च टेस्ट हुंदे ने सारे, जे डॉक्टर साहब पहला आ जान तो तू चली जा स्कैनिंग नूं। दरवाजे विच पहुंच के ना ये रोन वर्गा मूंह क्यों क्यों बना के बैठी है? किन्ने मूंह वर्गा बनाया रोन वर्गा? सिरजना ने, क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही कि करवा की रही है, कि मैं चाहती नहीं है स्कैनिंग क्यों करवानी है। हाले किहड़ा पता लग गया की है? स्कैनिंग तो हो लैन दे, हो सकता है लोड़ ही ना पवे, हो सकता मीन्स अंदर पुत्र ही होवे। बुड़बुड़ कर दी, कौन बुड़बुड़ कर दी है? बीजी सिरजना बुरी तरह परेशान है, मासी उसकी परेशानी नू समझदी है। गिलास लैके जाती है, उससे जाती है सिरजना अपना मोबाइल कट के अपने पति कुलदीप का नंबर डायल करती है, क्योंकि पति नाल नहीं आया। कुलदीप है पति, किसका पति? सिरजना का। तो वह ऑफिस च चला गया, तो जड़ी सस है पिछों सिरजना नू लै आई है स्कैनिंग लई। हुण उन्हें दसना तो है ना अपने पति नू कि ये जो बीजी कह कर रहे ने गलत कर रहे ने, कि तुसी भी बीजी का साथ दोगे कि मेरा साथ दोगे? मोबाइल कर दी किनू? अपने पति कुलदीप नू। अगो कुलदीप की आवाज आती है, मीनस आवाज के रूप में कुलदीप की कन्वरसेशन चलती है इतने इस इकांगी विच, पर आवाज के राही असी कुलदीप का करैक्टर स्कैच कर देना कि वो क्यों जी विचार ने, क्यों जी सोच है। करैक्टर स्कैच का भाव ही है कि अंदर विचार माड़े ने चंगे ने, शख्सियत पर की प्रभाव पै रहे हैं। हैलो कुलदीप कहिंदा, सिरजना अगो कहिंदी हैलो दीप मैं सिरजना,
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਦੀਪ, ਕੁਲਦੀਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਦੀਪ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਦੀਪ ਪੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਲੜਕੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਉਹ ਹੋ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਬੀਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੀਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੇ ਬੀਜ਼ੀ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਬੀਜ਼ੀ, ਬੀਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੀਜ਼ੀ ਮੀਨਸ ਸੱਸ, ਇਹ ਬੀਜ਼ੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੀਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੀਪ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਹੈ, ਰੋਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਿਰਜਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬੀਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਕੁੜੀ। ਬੀਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਔਰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਗੋਲੀ ਮੀਨਸ ਗੁਲਾਮ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਗੁਲਾਮ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ। ਖਿਆਤੀ ਦੀ ਲੇਟ ਚ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਲੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਸਿਰਜਣਾ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬੀਜੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਿਰਜਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਬੀ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਫੇਰ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀ ਜੀ? ਸਿਰਜਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੇਖ ਬੀਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਵੇਖ ਬੀਬਾ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੀਨ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਤੇਰਾ ਖਸਮ, ਤਾਂ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਭਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਹ ਪਾਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਜੋ ਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਜ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਾਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ। ਜਾਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੋਪ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਲੰਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੁੜੀ ਪੁੱਤਰ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਥਰ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਬੀ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਸਨ ਡਾਕਟਰ। ਇੰਨੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕੈਨਿਕ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਜਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
हाँ मैनू याद है, पर मैनू एक गल दसो सज्जना जी, आ लाइन अंडरलाइन करना, मैनू एक गल दसो सज्जना जी, तुसी पढ़े लिखे हो, डॉक्टर किवें समझांदी है सज्जना नू? जे पढ़े लिखे लोग भी इदां ही फर्क करन लग पए कुड़ी मुंडे विच, तां साडी सोसाइटी दा की बनेगा? ओनू ए नहीं पता बेचारी, वह तां आप ही नहीं चाहती, ओनू जबरदस्ती लियांदा गया। सज्जना तुसी भी तां पढ़े लिखे हो डॉक्टर साहब, पर तुसी कहिंदे तुसी पढ़े लिखे हो, तुहाडे स्कूल तुहाडे क्लीनिक विच क्यों इजाजत दित्ती जांदी स्कैनिंग दी? बाहर लिखा भी होंगे लिंग निर्धारण टेस्ट है जो मना है। नेक्स्ट, मेरा प्रोफेशन है तो नहीं कि मुंडे कुड़ी दा, कहने मेरा प्रोफेशन है डॉक्टरी किता, पर मेरा प्रोफेशन है नहीं कि मैं मुंडे कुड़ी दा पहला ही दसा कि हाँ मुंडा है कुड़ी है कुख विच तुहाडी। तुसी समझा सकते हो लोगों को? कौन कह रही है? सिरजना कहती है कि डॉक्टर ही समझा सकता है। कई बारी जेड़े घर दे ने अपने दी गल समझण लई तैयार नहीं हुंदे, डॉक्टर कौन समझदा है? डॉक्टर ने भी असलियत पता है कि वास्तव विच कौन समझदा है? हुण मैं तुहानू कहां ये गलत है, ना करो ये काम, तुसी मान लोगे? तुसी तां पढ़े लिखे हो। सिरजना उदास हुंदी है, मेरी कोई मजबूरी भी हो सकती है। ये कौन कहंदा? सिरजना मुस्कुराउंदी हुई, डॉक्टर अजिहा ही हुंदा, सारे ही अजिहा ही कहंदे ने। मिसिस सिरजना सारिआं दा यही व्यवहार है कि मेरी कोई मजबूरी हो सकती है इस करके मैं आई हाँ। अनपढ़ लोग तो सोचते ही नहीं जिहा काम करवाउण लग्गिआं, पढ़े लिखे सोचते ने तां बहुते ने, पर पता नहीं क्यों अक्सर मजबूर हुंदे ने। इह सिरजना दी गल उहने रिपीट करती, मजबूर क्यों हुंदे ने? पढ़े लिखे सब समझदे ने कि इह गलत है, पर उह मजबूर हुंदे ने, जिवें कि सिरजना मजबूर है। नेक्स्ट, दुचित्ती विच सिरजना, दुचित्ती में दो मन करे जां ना करे, हुण की स्टैप लिया जाए? दुचित्ती में दो सोचां चल रहीआं ने, किहदे मन विच? सिरजना दे। सिरजना परेशान है दुचित्ती विच। एक बार फिर हौसला करके फिर कुलदीप नूं फोन करदी है कि इह स्टैप लैण तों पहलां फिर मैं कुलदीप नूं दसदी हां। फोन ते दीप दी आवाज़ आउंदी, हैलो हैलो दीप, मैं सिरजना। हाँ सिरजना की होया, आया कोई रिजल्ट? कहिंदा हुण तक तां इहनां दी स्कैनिंग हो गई होणी, रिजल्ट पता लग गया होणा वी कि लड़का है जां लड़की है। आवाज, हाँ सिरजना की होया, आया कोई रिजल्ट? सिरजना, नहीं दीप, पर दीप बीजी जो कह रहे ने मैनूं लगदा उह सब गलत है। नहीं दीप, पर दीप बीजी जो कर रहे ने, जो कर रहे मीन जो मैनूं मजबूर कर रहे ने स्कैनिंग कराउण लई, बिल्कुल गलत है। आवाज, की ठीक है की गलत है? बीजी तेरे नो ज्यादा जानते ने, वह भी अपनी मां का पक्ष पूर रहा है, हुण बेचारा वह भी दुचित्ती विच है, अपनी लाइफ पार्टनर की गल मने जां बीजी की गल मने? बीजी अपनी थां सही है कि मैनूं वारस चाहिए? सिरजना दुनिया देखी हुई है उन्हां सारी, मीन जड़े बुजुर्ग ने बड़े तजर्बेकार ने, उन्होंने दुनिया हंडाई है, दुनिया देखी है, दुनिया च घूमे फिरे ने, उन्होंने पता की गलत है की सही है। नेक्स्ट बेटे, सिरजना की कहती है? सिर्फ बाहर की दुनिया दीप, कहिंदा सिर्फ उन्होंने बाहरी दुनिया देखी है, भेड़ चाल की तरह लोगों के मगर लग के लोगों की देखा देखी, अंदरली दुनिया नहीं देखी। हुण अंदरली दुनिया बारे समझाना चाहेगी तां किते जागरूकता आएगी, पर वह जो कुछ वापर है बाहर की दुनिया विच नहीं, मेरे अंदर की दुनिया च वापर है। कहना उन्होंने बाहरी दुनिया देखी है बीजी ने, जो कुछ वापर है मेरे अंदरली दुनिया च वापर है, उन्हें कोई समझ ही नहीं रहा, अंदर एक कुरुंबल फुट रही है, जीव आ रहा तो वह जीव की हत्या करनी जायज है? जदों की मेरी कुख अंदर वह कुरुंबल फुटी है, ध्यान नाल देखो, तुसी सोच नहीं सकते मैनू किन्ना चंगा लग रहा। मैनू लगता है एक मैं एक सिरजना कर रही हाँ, सिरजना कर रही हाँ एक होर बच्चे की अंदर, कहती मैं चंगा लग रहा, मैनू अपने औरत होने अर्थ महसूस हो रहे ने। देखो औरत सब तो वह भागा वाली उदो समझती है जो औरत ब्याह करा के एक मां बनती है। मां मीनस ममता की मूरत, मां कहते रब का रूप होंगी है, जिड़ी इन्ने कष्ट सह के बच्चे जन्म देती है, फिर बच्चे नूं रीझां नाल पालदी है। मां दी थां इस दुनिया च कोई नहीं लै सकदा, मां नूं रब दा दूजा रूप मन्नेया।
जे मां जन्मदाती है तो परमात्मा घड़त घड़न वाला है। सारे अंग पैर साढ़े सलामत दिते वाहेगुरु ने, है कि नहीं। परमात्मा साड़ी बनावट बनाता है, कन्न सुनन लई दिते ने, अखां देखन लई, नक सुंघन लई, सानू पंज ज्ञान इंद्रियां बख्शियां ने वाहेगुरु ने। ते जड़ी सिरजना कौन करती है? औरत करती है। मैनू अपने औरत होंदे अर्थ महसूस हो रहे ने आवाज, ये किदे नाल गल कर रही है? किदे नाल गल कर रही? दीप नाल। किदे ते? फोन ते। लो हो गई शुरू। फिर वो कहंदा तू तू लैक्चर देने शुरू हो गई अपने, हो गई तेरी ओही कविता शुरू। तू तो इन्हें कविता लिख दे इस मजमून से। गल तो सिर्फ इन्नी है सिरजना कि तेनू आदत है हर गल मन से लाने की, कि तू मन से ला लैनी है, तू उदास हो जाती है, इसलिए तू निक्की निक्की गल मन से ला के बह जानी है। गल मन से ला के बैठने वाली नहीं, जो भी जी कहते तू कर लै। कहना मैं तेन समझदा, तेरिया फीलिंग समझदा कि तू बड़ी इमोशनल है, बड़ी सेंसिटिव है, तो हर निक्की गल तू किते ला लैनी है, किते ला लैनी है बेटे, दिल से ला लैनी, फिर तू उदास हो जाती है, तो परेशान हो जाती है सिरजना। पर किसी को दुनिया में आने का हक खो लेना, हुण वो तर्क नाल समझाती है सिर्फ इस करके कि वह लड़की है। कहिंदे हक भी खोना किस करके? कि वह लड़की है। ये कोई निक्की जी गल नहीं दी कि समाज कदों बदलेगा। ये की कहना चाहती? समाज कदों बदलेगा कि लड़की है तो उन्हों दुनिया च नहीं आन देना? ये कितों की सियाणप है आवाज। पर साडे एक लड़की पहला ही है। हुण देखो दीप भी पढ़िया लिखिया पर वह भी अपनी बीजी की गल नूं ध्यान च रख के कहिंदा पहला ही लड़की है। सिरजना बीजी की टेंशन बिल्कुल जायज है। कहिंदा बीजी भी अपनी थां बिल्कुल सही ने कि उन्होंने वारस चाहिए। हुण उन्हें अपनी मां की भी तो गल रखनी है ना। इन्नी जायदाद है कौन सांभेगा मुड़ के इसनों? मैनू पता है ये सिरजना के ठीक नहीं है। कहना मैनू पता है, मैं तेरिया फीलिंग भी समझदा कि जो कर रहे हैं आपां ये भी ठीक नहीं है, पर बीजी की भी टेंशन जायज है। पर यह प्रॉपर्टी कल्चर है। कहने प्रॉपर्टी कल्चर है कि प्रॉपर्टी का वारस चाहिए, इस विच इंजी ही हुंदा है। सो बीजी जिवें कहंदे ने तेनू उवें ही कर लेना चाहिए। मेरी दफ्तर विच मीटिंग चल रही है, आपां बाद विच गल करांगे। फोन कट दिंदा है सिरजना बुरी तरह निराश कि अजे भी मैनू इहदे वल्लों कोई सपोर्ट नहीं मिली। मासी मासी सफाई कर्मचारी की एंट्री रत्ता उदासी नाल, आही गल पसंद नहीं बीबी राणी है। वह देखो सफाई कर्मचारी भी ओदा पक्ष पुरदी, उहनूं की कहंदी है? बीबी राणी है, बीबी राणी है, तू बड़ी समझदार कुड़ी है, मैनू भी आही गल पसंद नहीं। साढ़े वेले चंगे सी, हुण अपने वेले नाल कंपेयर करदी है। साढ़े वेले चंगे सी, आ ना मुराद मशीना ही नहीं सी। कहंदे साडा समा सी जदों मशीना आईया ही नहीं सी। ना मुराद है मशीना चंगिया आ गईया ने कि रिजल्ट देन लग गईया ने, ना मुराद ही हो गईया भैड़ियां। आ भैड़ियां मशीना कित्थों चल पईया? केड़ियां? स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड। कहंदे साढ़े वेले चंगे सन जदों मशीना ही नहीं सन। लोग भावे औखे होके रखते, भावे सौखे होके रखन, पालता लेंदे सी, कुड़ी होवे मुंडा होवे, एक जमाना सी ते मशीना ही नहीं सी आईया। मीन डॉक्टरी साइंस नहीं सी तरक्की ते, भी बच्चे औखे सुखे पाल लेने हैं, कुड़ी होवे मुंडा होवे, भावे तिया होन, भावे तीन हुंदियां भावे पांच हुंदियां, अज एक धी तो बाद दूजी भार लगन लग जांदी है। ये किदां दा समाज है? क्लीयर है बेटे इत्थों तक? बाकी आपां कल दी क्लास कंप्लीट हो जाना। थैंक यू सो मच।